हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जो चैप्टर्स आपने 11th में कवर किए हैं, मैकेनिक्स, थर्मो, फ्लूइड, और आपने जितने भी 12th में चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, ये चैप्टर थोड़ा उन चैप्टरों से डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ डीलिंग विद द स्ट्रेट लाइन रे की प्रॉपर्टी पे चलता है ये बेटा। इसको पढ़ने का कुछ तरीका है जो मैं आपको सिखाता हूँ, वो आप सीख जाओगे तो आपको इस चैप्टर में ऑल टुगेदर बहुत कम्फर्ट रहेगा, कोई भी जर्क नहीं आएगा, ठीक है बेटा। दैट थिंग्स और दैट प्रोसीजर इज नोन एज SSP, स्टैंडर्ड स्टडी प्रोसीजर। किस तरह से हम इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं बेटा, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेन थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला, आपको रे डायग्राम बनाने होते हैं, इमेजिस्ट्रेशन करनी होती है। दूसरा, आपके कंसेप्ट और फॉर्मूलाज होते हैं। थर्ड इज योर क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल्स। पहले पॉइंट पर बात करता हूँ। पहला पॉइंट था रे डायग्राम बनाना। मैं रे डायग्राम बनाने के या इमेज ट्रेसिंग करने के आपको कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस में, जो मैं रे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कराऊंगा, आपको वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके यू योर सेल्फ हैज़ टू ड्रॉ द डायग्राम। आपको अपने आप डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। पहली बार में सही बन गया, वेरी गुड। नहीं बनता है तो सेकंड जब रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब आप उस रूल्स को फॉलो करके रे डायग्राम बना ही लोगे, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। पहली चीज, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, कंसेप्ट और फॉर्मूलाज। इस चैप्टर में आपको कंसेप्ट भी आएंगे और बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आएंगे, उनको आपको थॉरोली अंडरस्टैंड करना है और फॉर्मूलाज को लर्न भी करना है बिकॉज क्वेश्चन में वो डायरेक्टली यूज आते हैं बेटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल। आपको क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की सॉल्विंग आपकी बहुत इजी हो जाएगी अगर आपने फर्स्ट दो पार्ट को प्रॉपरली कर लिया, समझिए बेटा। तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को, बिकॉज इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर जो आपने पढ़ रखा है, तो आपको इन तीन बातों का ध्यान रखना है, इसीलिए इसका नाम है SSP, स्टैंडर्ड स्टडी प्रोसीजर ऑफ व्हाट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्योमेट्री प्लस ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री क्या होती है आपने पढ़ रखी है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट बाय द आइडिया ऑफ ज्योमेट्री। स्टडी ऑफ लाइट बाय द आइडिया ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के आइडिया से आप लोग लाइट की स्टडी करेंगे, ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स, इसको अक्सर लोग रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ओके, मैंने यहाँ एक वर्ड बोला लाइट, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू लाइट। यहाँ पर लाइट को पहले समझ लेते हैं, लाइट क्या चीज़ होती है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये हमारे पास जो लैंप्स लगे हैं, ट्यूब लैंप्स, इससे लाइट आ रही है और मुझे लाइट दिखाई दे रही है, वाइट वाइट। आप लोग वीडियो पर ये लेक्चर देख रहे होंगे, जितने लोग अपने रूम पर बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं उनके पास भी या तो बल्ब लगा होगा या ट्यूब लाइट लगी होगी, आइदर ऑफ सोर्स आपके पास लाइट आ रही होगी। तो कितने लोगों को लाइट दिख रही, काइंडली रेज योर हैंड। ओके, कुछ लोगों को दिखी, कुछ लोगों को नहीं दिखी। अच्छा, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, सेम इज़ द एक्सपीरियंस विथ यू। लेट सपोज आपके एक्सपीरियंस से बात करते हैं, आप लोगों के हाथ में पेन होगा, आपको पेन दिखाई दे रहा है। आपके पास नोटबुक होगी, आपको नोटबुक दिखाई दे रही है। ओके, आपको नोटबुक दिखाई दे रही है, आपको पेन दिखाई दे रहा है, आपको लाइट नहीं दिखाई दे रही है। लाइट के होने की वजह से आपको पेन और नोटबुक दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमको लाइट नहीं दिखाई देती है। लाइट मेक्स थिंग्स विजुअल टू अस, मतलब लाइट होती है तब हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। लाइट एक ऐसी चीज़ है, लाइट इज समथिंग विच मेक थिंग्स विजुअल टू अस। लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। या फिर मैं दूसरी जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है वो बताता हूँ। लाइट इज समथिंग, या लाइट इज एन एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है विच क्रिएट अ सेंसेशन ऑन आर आइज। लाइट एक एनर्जी है जो हमारी आंखों में एक सेंसेशन क्रिएट करती है जिससे हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। इसका आप एक सीधा सा एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे आप स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हो, आपके सामने एक कार आ जाती है जिसका हेडलैम्प से बहुत तेज फोकस आपकी आंखों पर जाता है, लाइट की बीम आपकी आंख पर आती है, तो आपको आंखें ब्लिंक करनी पड़ती हैं। और आइदर वे यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आप हाथ को अपनी आंखों के सामने ले आते हो। क्या करते हो कि इतनी सारी बीम से आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करते हो। तो लाइट एक एनर्जी जो सेंसेशन क्रिएट कर रही है, वो लाइट आपकी आंखों पे गई तो
तो आपके माइंड ने रिएक्ट किया कि हाथ ले आओ या आंखों को ब्लिंक करो. ओके बेटा, तो लाइट क्या हुआ? अगर मैं फिजिक्स की डेफिनेशन जाऊं तो लाइट इज समथिंग विच मेक थिंग्स विजुअल टू अस. लाइट कुछ ऐसी चीज है जो हमारे सामने चीजों को देखने में हेल्प करती है. अभी मैं जॉट डाउन कर दूंगा, आप लोग समझते रहिए. उसके बाद मैंने अभी बोला था कि इट इज ऑफन कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स कहते, तो व्हाट इज रे? रे क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द रे लाइट इज कॉल्ड रे. व्हाट इज रे? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट इज कॉल्ड रे. जो स्ट्रेट लाइन पाथ रे लाइट फॉलो करती है, इसे हम लोग रे बोलते हैं. इसका सिंबल क्या होता है? बिल्कुल वेक्टर की तरह सिंबल होता है. एक ऐसे, ये हेड, ये पार्ट हेड हो गया, ये पार्ट टेल हो गया. ये जो एरो होता है ये डिनोट करता है कि ये लाइट रे किस तरफ जा रही है. व्हाट इज रे? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट इज कॉल्ड रे. ओके बेटा, अब इस रे की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. अगर होमोजीनियस मीडियम है, होमोजीनियस मीडियम मतलब सब जगह यूनिफॉर्म मीडियम है, कहीं चेंजेस नहीं आ रहे मीडियम में. एक ही मीडियम की बात करता हूँ. लेट सपोज आप लोग जहाँ बैठे हो उस मीडियम का नाम एयर है, आप हवा में बैठे हो. ऐसा तो कोई होगा नहीं जो वैक्यूम में बैठा होगा, क्योंकि वैक्यूम में होगे तो आप ऑक्सीजन इनहेल कैसे करोगे. तो जिस मीडियम में आप लाइट को देख रहे हो वो एयर है. तो अगर मीडियम होमोजीनियस है मतलब सब जगह हवा है, हवा से पानी में जाते हुए नहीं देखेंगे, सेम मीडियम में देखेंगे. अगर सेम मीडियम है तो यूनिफॉर्म मीडियम था. इन होमोजीनियस मीडियम सेम मीडियम रहता है, तो होमोजीनियस मीडियम में प्रॉपर्टीज ऑफ रे बता रहा बेटा. पहली प्रॉपर्टी, इन होमोजीनियस मीडियम लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ. अगर मीडियम होमोजीनियस रहता है तो लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है. इसको एक प्रिंसिपल का नाम भी दे दिया है. दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. क्लियर होगी बात? अगर मीडियम यूनिफॉर्म रहता है या होमोजीनियस रहता है तो लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है, मैं सब जॉट डाउन कर दूंगा, आप देखते रहिए बेटा. सेकंड जो प्रॉपर्टी है विच टेल्स अस कि अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है, एक साथ कई सारी लाइट रेज ट्रेवल कर रही है, तो लाइट रे अपने अगल बगल वाली रेज को डिस्टर्ब नहीं करती है. क्लियर हुआ बेटा? लाइट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती. अगर वो अकेली है तो जैसे चल रही है, दो लोगों चार लोगों के उसको फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह से ट्रैवल करती रहेगी जैसे वो अकेले ट्रैवल कर रही थी. क्लियर होगी पहली प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट रे बगल वाली रेस को डिस्टर्ब नहीं करती. अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे आता हूँ. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो लाइट रे होती है, अगर मैं उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, मतलब लाइट रे ऐसे आ रही है लेफ्ट राइट, अगर लाइट रे लेफ्ट टू राइट आ रही है, मैं किसी भी तरीके से इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं ऐसे, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है. रिट्रेस करती है मतलब उसी रास्ते पर जाती है जिस रास्ते से ये आई थी. तो ये थर्ड लॉ क्या है कि लाइट रेस रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स. लाइट रेस रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स. इसको भी एक नाम दे दिया प्रिंसिपल को. इस प्रिंसिपल का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज बता दी रेज की. रेज भी समझ में आ गया आपको, लाइट भी क्लियर हो गया. ओके बेटा, ठीक है. जैसा बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया वैसे एक बार लिख दिया मैंने, आप लोग समझिए. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट बाय द आइडिया ऑफ ज्योमेट्री. और इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑफन नोन एज रे ऑप्टिक्स. लाइट क्या बताता? लाइट इज समथिंग विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, जो हमको दूसरी चीजें देखने में हेल्प करती है. रे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट इज कॉल्ड रे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे टेल हेड. प्रॉपर्टीज ऑफ रे इन अ होमोजीनियस मीडियम रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट. क्लियर होगी बात? दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है? लाइट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर. लाइट रे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती. थर्ड पॉइंट क्या था? लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ. रिट्रेस करती है अपने पाथ को, वापस से कॉपी करती है. आफ्टर इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. क्लियर होगी बात बेटा? ओके बेटा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं. बीम. बीम क्या होती है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे आप रोड स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो, सामने से कार आती, कार के हेडलैम्प से लाइट बीम आती है. बीम मतलब बीम इज अ बंच और बंडल ऑफ लाइट रेज. जब आपकी आंखों के सामने
लैम्प पोस्ट की लाइट आ रही है तो उसमें एक रेस तो आ नहीं रही है, मल्टीपल ऑफ रेज आ रही है, तो उस पूरे बंडल को, रेस के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम। बीम एक्चुअली क्या हुई, बंच और बंडल ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड बीम। बंच और बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। अगर लाइट रेज का बंडल दिया जाता है आपको, बंच और बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। अब ये बीम कई तरह की हो सकती है, कैसे, लाइट रेज आपके सामने पैरेलली आ सकती है इस तरह से। अगर लाइट रे इस तरह से आ रही है तो इससे मैं बोलूंगा पैरेलल बीम है ये, पैरेलल बीम है ये, पैरेलल बीम। अगर लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही है, ये किस तरह की बीम है जो एक पॉइंट पर मिलना चाह रही है, इस बीम का नाम क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग बीम। ये बीम हो जाएगी कन्वर्जिंग बीम, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलना चाहे उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। अब इस तरह की लाइट रेज भी हो सकती है जो एक तरह से एक पॉइंट से बाहर की ओर जा रही है, इस तरह बाहर की ओर स्प्रेड आउट हो रही है, ये पैरेलल है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, ये इस पॉइंट पर मिलना चाह रही, कन्वर्ज कर रही है, ओके बेटा, और ये यहां पर इस तरह से फैल रही है मतलब डाइवर्ज कर रही है, इस बीम को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। दिस सेट ऑफ बीम इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम। मैंने कहा था बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। बंच और बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। ये बीम पैरेलल भी हो सकती है, कन्वर्जिंग, एक पॉइंट पर मिलने वाली भी हो सकती है, देख रहे हैं इस पॉइंट पर मिल रही है, और एक पॉइंट से निकलने वाली भी हो सकती है, अगर वो निकल रही होगी तो उसे बोलेंगे डाइवर्जिंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही होगी तो उसे बोलेंगे हम लोग कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग बीम है और ये बेटा डाइवर्जिंग बीम है। अब बात करते हैं हम लोग सोर्स। सोर्स की बात क्यों करते हैं, जैसे बीम जब प्रोड्यूस हो रही है तो कहीं से निकल रही होगी, तो जो इस बीम को प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज सोर्स। अब सोर्स क्या चीज होती है, सोर्स पे ध्यान लगाइएगा, सोर्स क्या चीज होती है, सोर्स क्या बोला है, जैसे मैंने जहां से ये बीम निकल रही होती है, एमिट हो रही होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स। तो फिर सोर्स क्या होगा कि अ बॉडी विच कैन एमिट लाइट बीम और लाइट रेज इज कॉल्ड सोर्स। बॉडी जो लाइट रेज को एमिट कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट सोर्स। अ बॉडी विच कैन एमिट लाइट रेज और बीम इज कॉल्ड सोर्स। अब सोर्स भी दो तरीके हो सकते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस कौन से सोर्स होंगे, जिनके पास खुद की लाइट होगी। ऐसे सोर्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स बोलते हैं। जैसे क्या होगी, आपके रूम में जो आपके बल्ब या ट्यूबलाइट लगी है वो सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है, उसको देखने के लिए वो दूसरी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। सन एक नेचुरल सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है, सन के पास खुद की लाइट है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। लेकिन नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या हो जाएंगे, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या हो जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो होंगे जिनके पास खुद की लाइट नहीं होगी। सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो सोर्स है जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। जैसे आपके रूम में आपके पास पेन रखा है, नोटबुक रखी है, इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी, ट्यूबलाइट या बल्ब जो कुछ है वो ऑफ कर दिया, तो आपको पेन और नोटबुक क्लियरली नहीं दिखती है। अगर वो सेल्फ ल्यूमिनस होता तो आपको दिख रहा होता, क्योंकि उसके अपने पास खुद के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। उस नॉन ल्यूमिनस सोर्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, इसलिए वो किसी और की लाइट को लेकर हेल्प से आपको दिखाई देता है। जैसे आपको लाइट की डेफिनेशन बताया था, लाइट इज समथिंग विच मेक्स थिंग्स विजिबल। नॉन ल्यूमिनस सोर्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है तो दूसरे की लाइट लेकर आपको दिखाई देता है। जैसे आप वीडियो में मुझको देख रहे हैं, इस बोर्ड को देख रहे हैं, ये बोर्ड और मैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, हमारे पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। अगर इस कमरे में हम लोग लाइट को ऑफ कर देते हैं, अगर इस कमरे में लाइट ऑफ हो जाती है तो ना आपको बोर्ड दिखाई देगा ना मैं दिखाई दूंगा, क्योंकि हम लोग कैसे सोर्स है, नॉन ल्यूमिनस। तो सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया, आपके पास क्या होगी, ट्यूबलाइट
बल्ब, सन। नॉन ल्यूमिनस सोर्स का एग्जांपल क्या हो गया बेटा आपके पास? नॉन ल्यूमिनस सोर्स का आपके पास पेन रखा है, नोटबुक, ये व्हाइट बोर्ड, जो कुछ भी आपके टेबल पे रखा हुआ है मैक्सिमम चीजें, वो कैसी हो गई? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स क्या होगा? अ सोर्स विच पजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, अ सोर्स विच पजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस सोर्स, अ सोर्स विच डू नॉट पजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो हम लोगों ने यहाँ बीम का आइडिया पढ़ लिया, सोर्स का आइडिया पढ़ लिया। बीम का आइडिया क्या था? कि जो लाइट रेज होती है उनका जो बंच और बंडल जाता है, बंच और बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। बीम कितनी तरह की है? तीन तरह की। पैरेलल बीम्स, कन्वर्जिंग बीम्स, डाइवर्जिंग बीम्स। कन्वर्जिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कन्वर्जिंग बीम इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे? क्योंकि इसका आपको यूज पड़ने वाला है। कन्वर्जिंग बीम जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले, डाइवर्जिंग बीम जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर की ओर जा रही है, इस आर्टिकल का आपको काम पड़ेगा। कन्वर्जिंग एक पॉइंट पर मिलने वाली, डाइवर्जिंग फैलने वाली। क्लियर होगी बात बेटा? सोर्स, अब जो इस बीम को प्रोड्यूस करता है वो सोर्स होता है। अ बॉडी विच कैन एमिट लाइट रेज और बीम इज कॉल्ड सोर्स। क्लियर होगी बात? सोर्स भी दो तरह का हो गया, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस कौन से है? जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, ऐसे सोर्सेज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। आपके पास एग्जांपल है, आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब है और सन, सूरज, वो सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज है। उसके बाद हम लोगों ने बात की नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज की। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। पेन, नोटबुक, व्हाइट बोर्ड, जो कुछ भी दिख रहा है, जो आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता, वो सारे क्या हो गए? नॉन ल्यूमिनस। क्लियर हो गई बात बेटा? ओके।